हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दिव्या और मैं वीडियोस बनाती हूं फैशन, लाइफस्टाइल, डीआईवाई, मॉम रिलेटेड थिंग्स एंड और भी बहुत सारी चीजों के बारे में। सो अगर आप ऐसी चीजों में इंटरेस्टेड है तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आप एक मॉम है तो, या फिर मॉम टू बी है तो, क्योंकि इसके अंदर मैं वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत लंबे टाइम से मैंने कुछ कुछ चीजें खरीदी थी उनके बारे में, ये वीडियो मुझे काफी टाइम से बनाना था एक्चुअली, बट नहीं मिल पा रहा था टाइम बनाने का। तो फाइनली अब 5-6 महीने के सामान है जो कि मुझे लगता है कि आप लोग को खरीदने चाहिए, और कहां से खरीदने चाहिए, क्यों, क्योंकि मैंने बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट से शॉपिंग करके देखी है एंड जो मुझे बेस्ट लगे मैं वो आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। इस वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को किड्स शॉपिंग हॉल दिखाने वाली हूँ, मेनली गर्ल्स के लिए है, बट इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स है जो दोनों के लिए होते हैं, जैसे कि स्वाडल्स हो गए, बिब्स हो गए, डायपर्स हो गए, तो इस तरीके की चीजें हैं जो कि मैंने कुछ अमेजन से खरीदी है, कुछ हॉपस्कॉच से खरीदी है, कुछ फर्स्ट क्राई से खरीदी है, तो अलग अलग वेबसाइट से है। एंड साथ में इसमें आपको यह भी पता चल जाएगा कि कौन सी चीज आपको कौन सी वेबसाइट से ज्यादा अफोर्डेबल पड़ेगी या क्वालिटी वाइज कहाँ से ज्यादा अच्छा सामान मिल रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी वो है ये बड़ी ही फैंसी सी रेड कलर की फ्रॉक। यू कैन सी ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी फ्रॉक है एंड ये 12 to 18 मंथ के लिए है, बट ये मेरी डॉटर को बहुत ही आराम से आ जाती है, बहुत ही इजीली। सो ये बेबी हक की है, ये ईवा को गिफ्ट में मिली थी और ये फर्स्ट क्राई के स्टोर से ली थी, बट ये बेबी हक की वेबसाइट पे एंड फर्स्ट क्राई पे दोनों पे शायद अवेलेबल है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंशन कर दूंगी। ये काफी अच्छी है, नेक में फ्रॉक है एंड इसके ऊपर इस तरीके से स्पार्कल है एंड इसके अंदर जो है ये एक पहले साटन का अस्तर है, उसके बाद ये कैनकेन वाला है और उसके अंदर भी अगेन एक कॉटन की लाइनिंग है काफी अच्छी। तो ये काफी कंफर्टेबल है, अगर मैं कहूं कि ये बच्चे को चुभता नहीं है एटलीस्ट। एंड इसके यहाँ पर ऊपर भी आप देखोगे कि इसमें साटन है और जो इसका नेट है वो बहुत ज्यादा हार्श नहीं है बच्चे के लिए, तो ये मुझे काफी अच्छी लगी ये वाली फ्रॉक। एंड इसका प्राइस भी काफी हाई था, आई थिंक 1500-1600 का था, बट ऑनलाइन आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट हमेशा चलता रहता है 20-30%, तो आप इसको पार्टी वेयर ड्रेस की तरीके से खरीद सकते। उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रेस है वो भी फर्स्ट क्राइ से है, तो ये जो है इस तरीके की सुपर क्यूट रेनबो ड्रेस है, यू कैन सी दिस। इसके अंदर और भी कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं फर्स्ट क्राई पे, बहुत ही क्यूट ड्रेस है एंड ये आई थिंक 9 to 12 months के बेबी के लिए है ये ड्रेस। एंड वो ये ईवा को ठीक ठाक फिट आ जाती है, जो है इसका मटेरियल जो है वो प्रॉपर कॉटन ही है ये, तो ये कंफर्टेबल है वैसे तो पहनने में काफी, बट मुझे ऐसा लगता है जब आप इसे सामने से देखते हैं तो आपको लगता है इसका प्राइस 1000 rupees प्लस है। एंड ये भी ईवा को गिफ्ट में मिली थी एंड इसके साथ एक कैप भी फ्री आती है, इसके साथ ये इस तरीके की कैप भी है, बट ये उसको अभी आती नहीं है, ये काफी बड़ी है, ये ना मुझे फिट आ जाती है एक्चुअली। तो ये ईवा के लिए या जो जिस एज के बच्चे के लिए ड्रेस है उसके हिसाब से ये कैप थोड़ी सी बड़ी है अभी, बट ये ड्रेस बहुत ही ज्यादा क्यूट है। अगर इसका प्राइस थोड़ा सा कम होता 100-200 रुपए तो ये बहुत ही अच्छी होती है अपने प्राइस में, बट अभी मुझे ये थोड़ी सी कॉस्टली लगती है। जो नेक्स्ट है वो है ये नाइट सूट, ये भी प्लीज डोंट माइंड, ये इसके ऊपर कलर लग गया है किसी चीज का, अदरवाइज इसका कलर बहुत ही ज्यादा प्रिटी था, ये इस तरीके के कलर में आता है बहुत ही ज्यादा अच्छा एंड बहुत ही कंफर्टेबल है, प्रॉपर कॉटन में है और रात में हम लोग एसी चलाते हैं तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ जनरली कि फुल स्लीव्स के ही कपड़े मैं उसके लिए लूँ, तो ताकि वो रात में काफी बार ओढ़ती नहीं है तो फिर उसकी ज्यादा टेंशन नहीं रहती है कि बार बार ढकाते रहो अगर आपने फुल स्लीव्स के बच्चे को कपड़े पहनाए हैं। तो ये भी बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल एंड बहुत ही अच्छा नाइट सूट है, बहुत ही कम्फर्टेबल है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी, प्राइस मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। उसके बाद ये मैंने ईवा के 6 month बर्थडे के ऊपर ये ड्रेस खरीदा था, ये टूटू स्कर्ट है, यू कैन सी ये टूटू स्कर्ट है एंड इसके साथ जो है ये आया था हाफ स्लीव्स वाला एक टॉप वंजी, जो कि इस तरीके से जिस पे लिखा हुआ था इट्स माय हाफ बर्थडे, बट मैं सच्ची बताऊं तो इसकी ना बटन वगैरह इतने अच्छे नहीं थे, शायद जो ये थर्ड वाला था वो टूट भी गया है एंड यहाँ से भी यू कैन सी कि ये पूरा खराब हो गया ऐसे। एंड ये काफी ज्यादा ना अब लूज सा हो गया है, उसको शोल्डर से ना ये बहुत लूज सा आता है, लटका सा आता है, तो इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है इसके टॉप की। ब्रांड भी अब तो मुझे याद नहीं है कौन सा है इसका। तो ये तो थे सारे फर्स्ट क्राई के कपड़े, अब बात करते हैं डायपर की। तो मैंने रीयूजेबल डायपर लिया है, क्लोथ डायपर जिसको कहते हैं, तो ये बेबी हग ब्रांड का है। मैंने इससे पहले एक अमेजन से भी लिया था, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था तो इसलिए मैंने उसका रिव्यू भी नहीं किया है, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं वो भी बता दूंगी आपको कि वो अमेजन वाला कौन सा था और दोनों का कंपेरिजन का वीडियो भी दिखा दूंगी अगर आप लोग देखना चाहें तो। तो ये इस तरीके का मैंने रीयूजेबल डायपर लिया है। सबसे पहले तो मुझे इसका कलर और प्रिंट इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था कि मुझे लगा कि यार यही लेना है, तो ये मैंने लिया फर्स्ट क्राई से ही, अगेन बेबी हग ब्रांड से है एंड इसके साथ आपको एक ये इंसर्ट फ्री मिलता है। तो इनका ना अच्छी बात ये होती है कि एक तो ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, दूसरा ये कंफर्टेबल भी है बेबी के लिए और ये ना एक ही साइज में
काफी टाइम तक बच्चे को आ जाता है। यू कैन सी कि इसमें कितने सारे बटन है एडजस्ट करने के लिए, तो ये काफी लंबे टाइम तक चल जाता है। तो आपको ये इकोनॉमिकल पड़ता है एज कम्पेयर टू जो डेली यूज वाले डायपर्स होते हैं, साथ में ये एनवायरमेंट फ्रेंडली तो है ही। उसके बाद अगर बात करें बिब्स की, तो बिब्स जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। शुरू से लेके जब तक बच्चे बिल्कुल अच्छे से खाने पीने वाले नहीं हो जाते, तब तक बच्चों के लिए बिब्स बहुत जरूरी होती हैं। तो ये वाले जो स्टाइलिश से बिब्स हैं, ये मैंने खरीदे थे ईवा के लिए फर्स्ट क्राई से। एंड यू कैन सी कि ये इस तरीके से हैं, कॉटन में ही है प्रॉपर। पीछे इसमें ये टॉवल लाइक मटीरियल है एंड ये इस तरीके का है, और ये स्टाइलिश है एक्चुअली, तो मैंने इसलिए ले लिया था। बट फिर मुझे समझ आया कि स्टाइलिश की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मुझे जो है थोड़ा सा उसके ऊपर ये भी देखना है कि वो कितना काम करता है। तो ये तो आई थिंक 300 या 400 के तीन आए थे, और ये वाले फिर मैंने लिया अमेजन से। अभी प्लीज डोंट गो ऑन इट्स प्रिंट, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गंदा हो रहा है। ईवा जो है बहुत ज्यादा गिराती है, क्योंकि उसने अभी नया नया खाना सीखा है, तो उसकी काफी सारी चीजें गिराती है, एंड देन उसे जो पसंद नहीं आता है उसे स्पिट करती रहती है, तो इसलिए ये काफी ज्यादा गंदे हो जाते हैं। तो ये जो है, ये वाले मैंने लिए थे अमेजन से, ये ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्राइस के थे, बट क्वालिटी वाइज मैं सच्ची बताऊं तो ये काफी ज्यादा अच्छे हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट क्राई वन। ये इसके अंदर इस तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है, इसमें पीछे ये कुछ प्लास्टिक लाइक मटेरियल है, और आगे वाले मटेरियल को आई डोंट नो क्या कहते हैं, बट ये बहुत ही अच्छा एब्जॉर्ब करता है, इससे बेटर एब्जॉर्ब करता है, इसमें पीछे चला जाता है। बट इस वाले में कभी भी जो है लीकेज वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऑल्सो इसका जो ये कॉलर वाला ऊपर वाला पार्ट है, ये जो है पूरा गीला हो जाता है, तो बच्चे को इस पार्ट से फिर पूरा अंदर पानी वानी चला जाता है जो भी वो लिक्विड चीज लेता है, कंज्यूम करता है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये वाले काफी अफोर्डेबल है, एंड साथ में यूजेज भी इसका ज्यादा होता है। मैं इसको ज्यादा यूज करती हूँ, क्योंकि एक तो ये लार्जर एरिया कवर करता है, प्लस ये ज्यादा लॉन्ग टाइम तक चलता भी है। तो मुझे लगता है कि ये वाले ज्यादा बेटर हैं जो अमेजन वाले हैं, बट लिंक मैं दोनों का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं स्वाडल्स की। तो आजकल जैसे समर्स हैं, तो समर में तो स्पेशली बच्चों के लिए जो है न्यू बॉर्न बेबीज भी हैं, तो उनके लिए स्वाडल जो है वो मस्ट होता है। तो मैंने इस तरीके के स्वाडल्स लिए थे जब ईवा हुई थी, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। मुझे इसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा पसंद है, अभी तक मैं इनको यूज कर रही हूँ, वो एक साल के होने वाली है, बट उसके लिए मैं इसको यूज करती हूँ। काफी बार उसको खाना खिलाते हुए हमें उसको रैप करना पड़ता है पूरा, उसमें मैं इसे यूज कर लेती हूँ, या फिर मैं उसको ढकाने के लिए उड़ाने के लिए यूज कर लेती हूँ जब मैंने सिर्फ फैन ऑन किया होता है। तो क्योंकि ये काफी लाइट है, काफी ज्यादा सॉफ्ट है एंड काफी कंफर्टेबल है, और उसको पता भी नहीं चलता कि उसने कुछ ओढ़ा हुआ है, वो आराम से सो जाती है, इनको हटाती भी नहीं है। प्लस जब बच्चा बहुत ज्यादा छोटा होता है उस टाइम के लिए तो ये बेस्ट है उसकी स्किन के लिए। मुझे लगता नहीं है कि इससे ज्यादा सॉफ्ट आपको कोई कपड़ा मिलेगा। ये बहुत ही अच्छे हैं, ये 3 के पैक में आते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल हैं। अगेन ये मैंने अमेजन से ही लिए थे, तो अगर आपको भी अपने बच्चे के लिए या अगर आप मॉम टू बी हैं तो आप इस तरीके के स्वाडल्स जरूर जरूर से लें। उसके बाद मैंने 2 सेट लिए थे अंडरवेयर्स के, तो मेरे पास अभी सारे नहीं है, बट ये बहुत ही क्यूट प्रिंट में आते हैं। यू कैन सी कि ये 3-3 के पैक में थे, तो मैंने 2 लिए थे, उनमें से एक एक पीस मैं आपको दिखा देती हूँ। एक ये था इस तरीके का सुपर क्यूट, क्योंकि उसको हम हर टाइम जो है डायपर में नहीं रखते हैं, हम लोग बीच बीच में जो है फ्री टाइम भी लेते हैं, तो एक एक 2-2 घंटे जो है हम लोग प्रेफर करते हैं कि उसको अंडरवेयर्स पहनाएं, ताकि उसके लिए भी कंफर्टेबल रहे। हर टाइम जो है डायपर मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता, मुझे भी लगता है उसको इरिटेट होती होगी, प्रॉब्लम होती होगी, तो जब भी वो पॉटी करती है उसके बाद हम कुछ टाइम के लिए जो है उसको डायपर्स की जगह पे इस तरीके के अंडरवेयर्स पहना देते हैं। दूसरे हैं ये ब्लूमर स्टाइल में, तो ये जो है ये बॉडी केयर के हैं, इसका लिंक मैं आप लोगों को ढूंढ के दे दूंगी। ये बॉडी केयर के थे और वो बेबी हग के हैं, तो ये ब्लूमर स्टाइल में, ये भी काफी कंफर्टेबल रहते हैं, ये शॉर्ट्स जैसी फीलिंग देते हैं, तो मुझे ये काफी अच्छे लगते हैं उससे भी ज्यादा दूसरे वाले से भी। तो अगर मुझे इनका लिंक मिल गया तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड कंफर्टेबल ये भी बहुत ज्यादा है और कॉटन में ही है प्रॉपर। उसके बाद जो एक ड्रेस है जो कि मैंने ली थी हॉपस्कॉच से, मैं दिखाती हूँ, बहुत ही कंफर्टेबल सी ड्रेस है ये भी और बहुत अच्छी क्वालिटी में है। सो जो नेक्स्ट ड्रेस है वो है ये, इस तरीके की, ये अटैच्ड ही है इसके अंदर, ये जो स्ट्रैप्स हैं यू कैन सी। तो ये मैंने ली थी हॉपस्कॉच से, और जितने भी कपड़े हैं ना गाइस इसमें वो काफी बारी ऑलरेडी धुल चुके हैं, कम से कम 2-2, 3-3 बार तो हर कपड़ा इसमें से धुल चुका है, तो इसलिए उसके बाद का ही आपको एक्सपीरियंस पता चल रहा है, तो आप देख सकते हो कि ये लॉन्ग रन में कैसे हैं, आपको वो भी पता चल रहा है साथ में। तो ये जो है ये वाली ड्रेस मैंने हॉपस्कॉच से ली थी, 300 समथिंग की ये थी, और ये कुछ इस तरीके की है, बड़ी सुपर क्यूट सी ड्रेस, बहुत ही कंफर्टेबल है, अगेन गर्मियों के लिए बिल्कुल बेस्ट है।
उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रेस है वो ये मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर से ली थी, टेलर स्टोरी करके एक इंस्टाग्राम पे स्टोर है, मैंने वहां से ये ड्रेस ली थी। ये 800 समथिंग की थी, मुझे एग्जैक्ट प्राइस इसका याद नहीं है। एंड इसके साथ एक हेयर बैंड भी था, इसके साथ में ये वाला हेयर बैंड भी था। तो ये जो है ये बेसिक वाला हेयर बैंड है, उसके ऊपर इन्होंने पूरा कवर कर रखा है एंड इस तरीके का सुंदर सा बो दिया है साथ में। एंड ये बटन है एंड ऑल्सो इसके साथ एक बुक स्टोरी बुक टाइप्स भी आती है, बहुत ही क्यूट सी, वो भी आप देख सकते हो। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो वो समझ सकता है उसको बहुत इजीली। तो ये इस तरीके का वंजी था जो मैंने लिया था। सच्ची बताऊं तो मुझे ये थोड़ा सा कॉस्टली लगा एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स जो होते हैं, बट मटेरियल क्वालिटी जो है इसका वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये। अगर आप किसी भी कोस्टल एरिया में रहते हैं ना जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लाइक ये स्टोर जो है गुजरात का है, तो अगर आप किसी साउथर्न एरिया में या ऐसे कोस्टल एरिया में रहते हैं ना, वहाँ के लिए तो ये कपड़े बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल हैं, सॉफ्ट हैं। ये तरीके का बो है और ये ना मैंने काफी बारी वॉश कर लिया, ये 6-7 बारी से ज्यादा वो पहन चुकी है ऑलरेडी, और ये मशीन में भी वॉश कर चुकी हूँ, हर तरीके से कर चुकी हूँ। बट इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा मटेरियल है इसका, तो मुझे ये काफी अच्छा लगा पर्सनली। बट ये थोड़ा सा कॉस्टली साइड पे है, जैसे कि ये 700 समथिंग का था एंड अगर आपको उसके साथ हेयर बैंड भी लेना है तो आपको अलग से 199 रुपीज पे करने पड़ते हैं। एंड आई डोंट नो शिपिंग चार्जेस कुछ है कि नहीं है, क्या है ये मुझे याद नहीं है, बट थोड़ा सा कॉस्टली है, बट क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छा है। अगर आप ले सकते हो तो आपको डेफिनेटली ऐसे कपड़ों के साथ जाना चाहिए जो कि कॉटन क्लोथ्स हैं। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज 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 मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, साथ के साथ जो है मुझे बताएं कि और किस तरीके के वीडियोज आप लोग देखना पसंद करेंगे। ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।